Hello friends, welcome back to my channel. Today I am making top taste authentic noodle in different style. So सबसे पहले मैंने noodles को boil करके रख लिया है. पानी में मैंने एक चम्मच नमक और एक स्पून oil डाला था. और ये है हमारे किचन गार्डन से आए छोटी छोटी शिमला मिर्च. वेजिटेबल्स में मैंने लिया है कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, अनियन एंड स्प्रिंग अनियंस. एक पैन लेंगे, पैन में 4 स्पून ऑयल डालेंगे. ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. फ्लेम को आपको हाई पे ही रखना है. सबसे पहले हम प्याज डालेंगे. प्याज को लाइट पिंक करना है. जैसे ही प्याज लाइट पिंक हो जाएंगे उसके बाद हम सारी सब्जियां ऐड कर देंगे. वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इनका थोड़ा कच्चापन निकल जाए. जैसे ही ये साइज़ में रिड्यूस होंगे आपको लगेगा, उसके बाद आप इसमें नूडल्स ऐड कर सकते हैं. अब हम इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे. सोया सॉस ऐड करेंगे. विनेगर ऐड करेंगे. एंड शेजवान चटनी ऐड करेंगे एज पर योर टेस्ट. अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे. नूडल्स को हल्के हल्के ऐड करना है ताकि वो सारा टेस्ट ऑब्जर्व कर ले. अच्छे से मिक्स करना है. जैसे ही आपको दिखेगा कि उस नूडल्स की वाइटनेस चली गई है, अभी ब्राउननेस आ गई है, दैट मीन्स आपका नूडल्स रेडी है. नूडल ऐड करना और मिक्स करना सबसे लेंथी प्रोसेस लगता है मुझे, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग जिससे कि टेस्ट डेवलप होगा. अगर वो अच्छे से नहीं होगा तो टेस्ट भी डेवलप नहीं होगा.
हमारे नूडल्स बनकर रेडी हैं। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।